हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ताज नगरी दिल से। कई बार होता है कि हमारे घरों में दो सारा मिल्क बची हुई होती है, जिसका हम खोआ तैयार कर लेते हैं, पर खोआ कभी कभी यूज नहीं हो पाती है, तो हमें ये भी डर होता है कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मेरे पास खोआ है आधा केजी लवंग, मैंने बना कर रखी है। मेरी मिल्क बच गई थी, तो हम उसके लिए चाशनी पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आधा लीटर दूध गर्म होने को रख दिया है, जिसे गर्म करके थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो ये हमारा मिल्क उबल रहा है, तो ये हमारा मिल्क गर्म होते हुए आधा घंटा हो चुका है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, थोड़ा येलो कलर हो जाए। आप चाहे तो इस टाइम पे केसर भी यूज कर सकती हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, जितना आप मीठा खाना पसंद करती हैं। मैंने उसमें खोए में भी चीनी डाली है, तो इसलिए मैं उसी के अनुसार मैं चीनी डाल रही हूँ। इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसे हम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे हल्का सा। अब हम नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है ब्रेड, चार स्लाइस, इसके किनारे को काट लेंगे हम चारों तरफ से। अब हम इन ब्रेड को बेल लेंगे, पतला कर लेंगे। सारे ब्रेड को हम ऐसे कर लेंगे। सारे ब्रेड को मैंने स्लाइस को बेल लिया है। अब इसके अंदर स्टफिंग हम बनाने के लिए ये खोआ है जो मैंने पहले से बना कर रखी थी, इसको हम लेकर लंबे आकार में बना लेंगे। आप चाहे तो गोल भी बना ले, पर हम लंबा सेव देंगे कुछ इस तरह से। अब हम ब्रेड के टुकड़े को पड़ी से रख देंगे और इसका रोल तैयार कर लेंगे हम कुछ इस तरह से। इस तरह से हम सारे को रोल बना लेंगे। तो देखिए, सारे ब्रेड का मैंने रोल तैयार कर लिया है। अब इसे हम इसमें जो हमारी हमने तैयार किया था मीठा सिरप मिल्क का, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने जो सिरप बनाया हुआ था, अब इसमें जो हमने सिरप बनाया था उसे हम सारा इसमें डाल देंगे। काफ़ी अच्छी स्वीट है, आपके गेस्ट आने से पहले अगर आप चाहें तो फटाफट बना सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, बस खोआ अगर हमारा घर पे तैयार है तो आप इंस्टेंट तुरंत बनाकर इसे फ्रिज में रख दें, और गेस्ट के आने के बाद आप आधे एक घंटे बाद आप उन्हें सर्व कर सकती हैं। ये फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ी थिक हो जाएगी और ठंडी ठंडी काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर ये अपने घर पर बनाएँ। तो आप इसे गार्निशिंग कर दें किसी भी।